हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया एक मैथ का क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क से है। यह क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है और यह क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में जो है रिपीट होने वाला जरूर है। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है और सी बी से 20% अधिक दक्ष है। ए और सी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। उसके बाद में बोला है बी ए से 25% अधिक दक्ष है, यानी एक है ए, एक है बी और एक है सी। बोला है कि बी ए से 25% अधिक दक्ष है। बी जो है ए से 25% क्या है, अधिक दक्ष है, 25% अधिक दक्ष है। फिर आगे बोला है और सी बी से 20% अधिक दक्ष है। सी जो है बी से 20% अधिक दक्ष है, सी जो है बी से 20% अधिक दक्ष है, तो 20% प्लस लिखेंगे। अब देखिए, डायरेक्शन ए से बी की ओर गया है और फिर बी से सी की ओर गया है, तो हम ए को मानेंगे 100 और सभी पे बैठाते जाएंगे, यानी 100 का 25% हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 125 का 20% अधिक, तो 125 का 20% अधिक आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 5, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा 150। तो ए का हो गया इफिशियंसी यानी क्षमता 100, बी का हो गया 125 और सी का हो गया 150। अब इसको कटने वाला है तो कटा लेंगे, 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 125 और 25 छक 150। चलिए अब देखिए, आगे बोला है ए और सी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। फिर ए और सी मिलकर जो है 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो चलिए ए का कार्य देखते हैं कि ए का कुल कार्य कितना होगा, क्योंकि बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए का क्षमता कितना है, 4 है, तो हम 20 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 20 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 × 8 यानी 80 जो है टोटल कार्य है। उसके बाद में ए और सी का जो है 5 दिन तक काम करता है, तो ए और सी का क्षमता कितना है, ए और सी का है यानी ए का 4 और सी का 6, तो कितना हो जाएगा, 10, तो 5 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी ए और सी मिलकर 50 कार्य करता है और ए जो है अकेले टोटल कार्य को 80 दिन में करता है। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, ए है और ए और सी है, तो हम बी का निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे तो 80 में से 50 कार्य ए और सी मिलकर कर रहा है, तो बचा कितना, 30, तो 30 काम जो है बोला है बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बताना है, तो बी का क्षमता कितना है, 5, तो हम 30 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, इसका निकल जाएगा यानी 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, यानी 6 दिन में जो है बी कार्य को शेष कार्य को कर लेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, और सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।